गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरू शर्मा है और मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है व्यंजन का, और जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो हमने कुछ व्यंजन पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। तो आज हम पढ़ेंगे स और श, ये दो लाइनें पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका एक बार रिविजन करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी यही दिया था और आपको अच्छे से याद हो गया होगा, इसको आपने कॉपी में लिख लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पहले कल वाले के बारे में। तो कल हमने पढ़ी थी पैटी और याकी। तो पैसे पतंग, पैसे फल, बैसे बकरी, भैसे आलू, मैं से मछली, वैसे यशे यज्ञ, वैसे रस्सी, वैसे लड्डू और वैसे वर्षा। तो इन दोनों लाइनों को आपने अच्छे से कॉपी में लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। तो यशे यज्ञ की लाइन के बाद में कौन सी आती है? ऐसे यज्ञ की लाइन के बाद में आती है सैसे सलगम की। तो हम सैसे सलगम बनाते हैं, यहाँ पे मैंने बना रखा है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अब हम यहाँ बनाते हैं, पहले एक सीधी लाइन, फिर जैसे रैसे रस्सी बनाया, फिर इसको यहाँ से गोल किया और एक डंडा लगा दिया। तो क्या बन गया? सैसे सलगम। क्या बन गया? सैसे सलगम। फिर हम बनाते हैं सैसे सतकोण। सैसे सलगम के बाद आता है सैसे सतकोण, पहले एक सीधी लाइन, फिर जैसे हमने पैसे पतंग के लिए डंडा किया वैसे यहाँ पे एक सीधी लाइन, फिर इसको ऊपर कर दिया, जैसे बन गया ना, दिख रहा ना पैसे पतंग की तरह, फिर ऊपर से यहाँ से एक लाइन बीचों बीच। तो क्या बन गया? सैसे सतकोण। अब हम बनाते हैं सैसे सफेदा। तो पहले एक सीधी लाइन, फिर जैसे वैसे रस्सी बनाया, बन गया ना जैसे रस्सी, और अब यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक डंडा लगा दिया। तो क्या बन गया? सैसे सपेरा। तो सैसे सलगम, सैसे सतकोण, सैसे सपेरा। अब इसके बाद में आता है हाथी। तो पहले सीधी लाइन, फिर यहाँ से एक डंडा, इसको ऐसे किया और यहाँ से ऐसे कर दिया। तो क्या बन गया? ऐसे हाथी। तो हमने सैसे सलगम की लाइन कर ली है, सैसे सलगम, सैसे सतकोण, सैसे सपेरा, ऐसे हाथी। इसमें तीन स होते हैं, पहला ये, पहला होता है सैसे सलगम, दूसरा सैसे सतकोण, तीसरा सैसे सपेरा। इसको ऐसे भी बोलते हैं है। अब इसके बाद में आती है क्षय, क्षय से क्षत्रिय। तो हम बनाते हैं, यहाँ पे मैंने बना रखा है, सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्षय से क्षत्रिय। तो पहले एक सीधी लाइन, फिर यहाँ से एक लाइन, फिर इसको अंदर से लाया और ऐसे कर दिया। ये थोड़ा इजी नहीं है, पर एक दो बार बनाओगे तो आने लगेगा। तो पहले सीधी लाइन, फिर ऐसे लाए सीधी, फिर इसको ऐसे के अंदर से लाए और ऐसे कर दिया। तो क्या बन गया? सैसे क्षत्रिय। इसके बाद आता है त्रैसे त्रिशूल। तो पहले सीधी लाइन, फिर यहाँ पे सीधी लाइन, फिर जो इसका इसका बीच का बिंदु है, यहाँ पे बिंदु लगा लेना अगर समझ में ना आए तो, इससे एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो क्या बन गया? त्रैसे त्रिशूल। तो त्रैसे छत्री, त्रैसे त्रिशूल। अब हम बनाएंगे गैसे ज्ञानी बाबा। पहले सीधी लाइन, फिर यहाँ पे सीधी लाइन, फिर यहाँ से ऐसे किया और ऐसे। तो क्या बन गया हमारा? कैसे ज्ञानी बाबा। तो त्रैसे छत्री, त्रैसे त्रिशूल और कैसे ज्ञानी बाबा। तो आज हमने दो लाइनें की हैं, इसको अच्छे से बोलते हैं, सैसे सलगम, सैसे सतकोण, सैसे सपेरा, ऐसे हाथी, सैसे क्षत्रिय, सैसे त्रिशूल, ऐसे ज्ञान।
निकाला। तो इसी के साथ हमारे व्यंजन पूरे हो गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो हमने व्यंजन शुरू से पढ़ लिए हैं पूरे, क से लेके ज्ञ तक। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो मैंने शुरू में बताया था व्यंजन किसे कहते हैं, जिनको स्वर की सहायता से बोले जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो आप लोगों को याद हो गया होगा व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं, 33। और वैसे लिखने में कितने लिखे जाते हैं, 36। तो जो ये तीन होते हैं ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और बाकी के 33 होते हैं मूल व्यंजन। तो आपको कोई पूछ ले कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कितने बताओगे कि मूल होते हैं 33 और लिखने में लिखे जाते हैं 36। तो हमारा इसी के साथ व्यंजन का टॉपिक पूरा हो गया है। आगे हम कोई और टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।